गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और सुबह का बज रहा है 6:15 और हम निकल रहे हैं माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए। बड़कोट से कटरा जो रोड मैप रहेगा वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए माँ वैष्णो देवी का नाम लेके इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चले भाई, ठीक है, ओके। ये पकड़। ठीक है जी, फिर चलो माता हमारी यात्रा सफल करे। अभी हम निकल चुके हैं बड़कोट से। तो दोस्तों, मेरी इस व्लॉग के माध्यम से मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि वैष्णो देवी यात्रा में कुल कितना खर्चा आता है, सो दैट अगर आप कभी प्लान करते हो माता वैष्णो देवी जाने का तो आपको एक आइडिया मिल सके। सुमन कैरी में पहला ब्रेक है, अभी यहाँ नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। सुबह निकले थे 6:45 और अभी का टाइम हो रहा है 7:45। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी नाश्ता वास्ता करते हैं फिलहाल। टीढ़ा मीढ़ा क्यों खाएगी, सीधा सीधा खाएगी ना। पंजाबी तड़का एज वेल, बड़कोट का तड़का खाओ। अबे पंजाब का तड़का नहीं, बोले इधर बोलू। नाश्ता करने के बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जमुना ब्रिज की तरफ। जय माँ यमुना मैया। जमुना पुल को पार करते हुए इन खूबसूरत हसीन वादियों के साथ हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए पहुंच रहे हैं विकास नगर की तरफ। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन विकास नगर, जहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुँचेंगे पौंटा साहिब, जहाँ पे उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड की सीमा हो चुकी है समाप्त और यहाँ से लगता है हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। ये NH-72 पे जा रहे हैं हम और ये यहाँ का फेमस गुरुद्वारा पौंटा साहिब जी। हिमाचल बॉर्डर में हम एंटर कर चुके हैं। ये टोल टैक्स अब इनसे पता करना पड़ेगा। तो अभी हम रुके हैं हिमाचल के RTO ऑफिस के पास, बॉर्डर स्टार्ट हुआ था तो अभी यहाँ पे हम अपने टैक्स वैक्स कटवा रहे हैं सारा। तो जैसे हमें पता नहीं था, तो अगर आप लोगों को भी पता नहीं होता है, आपने अगर अपना टैक्स ऑनलाइन पे नहीं किया है तो आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। ये सामने यहाँ पे गवर्नमेंट का दिख रहा होगा आपको, परिवहन विभाग, यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट वालों का है। यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है और जो हिमाचल का टैक्स है वो है 5,020 रुपये 24 घंटे का। और फिर जैसे जैसे आपका डेज बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता रहेगा। बाकी आप चाहें तो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और जो भी स्टेट आते हैं बीच में उनका ऑनलाइन टैक्स कटवा सकते हैं, जैसे हम कटवा रहे हैं। हम यहाँ भैया से ऑनलाइन करवा रहे हैं, इनके पास सारे स्टेट के ये टैक्स यहीं से कटवा देते हैं, बार बार आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम यहाँ एक ही बार में अपना जो भी टैक्स का काम है वो सारा निपटा के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो सबसे पहले टोल कटवाया था। ये है 5,020 रुपये। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है जिसका जो टैक्स पड़ा है 1,500। ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसका टोटल टैक्स पड़ा है हमें 5,550 रुपये। बाकी जो टोल टैक्स है ये यहाँ पे 140 रुपये का टोल टैक्स पड़ा हुआ है। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि टोटल कितना खर्चा आता है अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये था हमारा टैक्स पेइंग प्रोसेस। अब यहाँ से आगे निकल चुके हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये हिमाचल की सड़कें हैं। अब यहाँ से चंडीगढ़ लगभग 1 या 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। कैसे भरे हुए भाई ये, यहाँ देखो तो ट्रैक्टर इतना सार भयंकर यहाँ पे। अबे यहाँ देखना ओ भाई साहब कितना भूसा भर रहा है भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नारायणगढ़ और यहां से हम ले रहे हैं अंबाला वाला रूट।
क्योंकि चंडीगढ़ सिटी से अगर जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम जाएं अम्बाला। अम्बाला सामने के साइड, ये सामने दिख रहा है अम्बाला का बोर्ड। अम्बाला यहाँ से 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर यहाँ से अम्बाला है। फिर उसके बाद हाईवे लेते हुए हम डायरेक्ट, शायद दिन का जो हमारा लंच होगा वो अम्बाला में ही रहेगा। अदरवाइज आज तो ये सोचा है कि आज डायरेक्ट से कटरा जाना है। मॉर्निंग से चले जा रहे हैं, 5:45 के आसपास निकल चुके थे और अभी दिन का 1 बजने वाला है अभी, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। आप लोग कमेंट करते रहिए। जय माता दी, हमारी यात्रा मंगलमय हो। इतने प्यारे प्यारे खेत, नाच लगे सर ना भाई, कितने सही खेत हैं यार इधर। पापा साथ था ऐसा क्या हो गया एकदम। और अभी हमने निकलना है ये ऊपर हाईवे के ऊपर, ये अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे है और ट्रैफिक देख सकते हैं आप। ये हाईवे, ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। और फाइनली हाईवे के ऊपर आते हुए ये भी दूसरा टोल पड़ने वाला है। सबसे पहले हमने जो पहला टोल दिया था वो दिया था हिमाचल प्रदेश के पास, और अब दूसरा टोल ये है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितना लगेगा। चलो चलो चलो, और ये टोल खुल चुका है। अब कितने रुपए की रसीद कटी होगी। अब निकलते हैं यहाँ से आगे लुधियाना की तरफ। तो ये अभी हम आए हैं वसंतपुरा के एक ढाबे में है, ये है भरवंद ढाबा करके एक जगह है वसंतपुरा में। इसके जो रिव्यूज होंगे आपको खाना खाने के बाद पता चल जाएगा। कैसा लग रहा खाना मामा जी? बढ़िया खाना बड़मा, खाना बढ़िया, खाना सभी को बढ़िया लग रहा है। हाँ भैया, खाना कैसा है? बढ़िया खाना, एकदम बहुत परफेक्ट था, मस्त एकदम खाना, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी ये देखो, ये आपके पड़ता है वसंतपुरा में, ये जस्ट हाईवे के आपके एकदम लेफ्ट साइड पड़ेगा जब आप लुधियाना हाईवे के लिए जा रहे होंगे। बाकी अभी सभी लोग बैठ चुके हैं, अभी निकलते हैं फिर यहाँ से। लंच वंच कर लिया है, बाकी दिन का बच गया है, 3:20 हो रहा है। तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से हम कटरा पे ही स्टे करेंगे सीधे। चलो सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोल साचे दरबार की, बोल माता वैष्णो देवी की, जय माता दी, जय माता दी। रोड जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, ये लुधियाना शहर के लिए जा रही है। बाकी हम लुधियाना को बाईपास करते हुए निकल रहे हैं, हमें और ज्यादा अपना टाइम बचाना है। बाकी भाई रास्ते में हो गई थी हमारे साथ एक ट्रेजेडी। अभी हाईवेज पे गाड़ियाँ इतनी तेज़ चल रही थी भाई, सामने से एक कार बहुत ओवर स्पीड करके गई और उस कार के टायर से एक पत्थर उछल के सीधे हमारी फोर्स के शीशे पर लगा। भाई देखो कितना भयंकर डैमेज हो गया। वो तो छोटा सा पत्थर था इसलिए ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अदर लुधियाना को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट टोल है। तो ये टोल निकाल के आगे निकल चुके हैं और अब चल रहे हैं हम जलंधर की तरफ। और ये अभी इधर चल रहा है नेशनल हाईवे का काम, हम हैं जलंधर जाने की तरफ और इस वजह से बहुत भयंकर ट्रैफिक लग रहा है। और शाम के बज गया 5:15, अभी भी यहाँ से 6 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है कटरा पहुँचने के लिए। देखते हैं क्या होता है। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी फिलहाल पूरे बैक पसीने से गीली हो रखी है।
और ये चौथा टूर आता हुआ है, पता नहीं 6 बज चुका है और यहाँ से पठानकोट लगभग 95 से 100 किलोमीटर के आसपास है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा पठानकोट पहुँचने में, उसके बाद वहाँ से जम्मू निकलना है। बहुत लेट हो चुका है यार। अभी बज चुका है रात के 8:07 और अभी हम निकल रहे हैं पठानकोट से, और यहाँ से जो कटरा की डिस्टेंस है वो है 166 किलोमीटर एग्जैक्ट जो गूगल मैप दिखा रहा है। तो अब यहाँ से लगभग 3 घंटे लगेंगे हमें जाने में। तो ये हमारा लास्ट टोल कटता हुआ यहाँ से, ये टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लास्ट टैक्स है हमारा। इसके बाद यहाँ ये गवर्नमेंट ऑफिस है JNK वालों का। अब यहाँ से चलते हैं कटरा के लिए। रात के 10:09 हो रहे हैं और अभी हम सांबा पहुँचे हैं, और यहाँ से जम्मू बज रहा है 39 किलोमीटर। बहुत लेट हो चुका है, तो आज का स्टे जो रहेगा वो जम्मू में ही रहेगा। बीच में रोड बहुत डाइवर्ट कर रखी थी, लगभग 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा दिया हमें, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। एक और टोल। ओ भाई देखते हैं, अभी तक तो रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। चलो कड़िया कितना दिखाया पता नहीं, 10:54 हो गया, 11 बज गया और अभी हम जम्मू पहुँचे हैं। यहाँ से कटरा लगभग 52 किलोमीटर दूर है, तो अभी तो फ़िलहाल खाना वाना खा रहे हैं और फिर यहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, यहीं रुकना है या फिर कटरा आगे निकलेंगे। पहले खाना वाना निपटाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। सिंगल जर्नी 165 रुपीज़ का टोल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत ही प्यारा ये अभी 115 रुपये की पर्ची कटी यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी ऑफ कटरा। और ये पहुँच चुके हैं हम कटरा। देखो अभी रात के 1:45 हो चुका है और अभी भी देखो चहल पहल देख ही सकते हैं आप। ये ऊपर भवन जाने का रास्ता, आप यहाँ से कल सुबह हमारी जर्नी स्टार्ट होगी।